अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जायंस डॉट कॉम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आ जाएं। वर्डप्रेस की वेबसाइट में बेसिकली हम पोस्टिंग ही करते हैं, वो ब्लॉगिंग वेबसाइट। वर्डप्रेस मेनली ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए माना जाता है, लेकिन अब वर्डप्रेस इस कदर इन्हांस हो गया कि उसमें हम किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट अभी भी उसमें पोस्ट का ही है। तो आप उसके WP एडमिन में आ जाएंगे और ये पोस्ट्स में आ जाएंगे। पोस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक पोस्ट होती है हेलो वर्ल्ड की, आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं या जो भी। बाद में न्यू बटन पे क्लिक कर दें, ये न्यू पोस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वर्डप्रेस जो 5.2 और 3 के बाद जो आ रहा है ना, उसमें ये काम इस तरह, उन्होंने UI काफ़ी चेंज कर दिया। तो काफ़ी लोगों को अभी तक, मुझे पर्सनली भी, जो क्लासिक इसका वर्जन था वो काफ़ी पसंद था। तो उस क्लासिक वर्जन में जाने के लिए आप थीम्स में आएँ, ऐड न्यू पे क्लिक करें और ये क्लासिक एडिटर ये सामने ही हो गया। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे क्लासिक एडिटर आ जाएगा, आप इसके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, इंस्टॉल हो जाए तो इसको एक्टिवेट करें। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आप पोस्ट में आएँ। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये वो जो क्लासिक इसका वर्जन था ऐड न्यू का, वो एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ पे टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ पे जो भी अपनी पोस्ट का टाइटल हो वो लिख लें, टाइटल ऑफ पोस्ट जो भी आपका टाइटल हो वो लिख लें। यहाँ पे जो आपकी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन हो, जो आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस साइड, इस पेज पर अभी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिसिंग है, जैसे कि आप एक पोस्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसका एक एक्सपेक्ट भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्ट होता है जो छोटी डिस्क्रिप्शन होती है, उसको एक्सपेक्ट कहते हैं। उसको ऑन करने के लिए आप स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो हिडन है। जो चेक मार्क ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं और जिन पे चेक नहीं किया गया वो डिसेबल्ड हैं। आप इन सभी ऑप्शंस पे क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा ऑप्शन बिल्ट इन अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि यूज़र्स को उनका पता नहीं होता तो उसकी वजह से वो या तो उसके लिए कोई पेड प्लगइन खरीद लेते हैं या फिर डेवलपर के साथ रब्ता करते हैं, जो कि उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं आपको इस कोर्स में कोशिश करूँगा कि जो इसके बहुत एडवांस बिल्ट इन फीचर्स हैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा।